ये काफी माहिर हो गए हैं शहजादे, बहुत जल्द तलवारबाज बन जाएंगे। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो अब्दुल्ला। शहजादे, सुल्तान मुअज्जम फौरन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है तलाक आका। शहजादे सलीम ने कोई हरकत की होगी शायद। लुकमान आका, फौरन लाला मुस्तफा को खबर भेजो, खाबगाह के सामने मेरा इंतजार करे, शायद उसकी जरूरत पेश आने वाली है। आपका जो हुक्म शहजादे। शहजादे सलीम के मुहाफिजों ने सोना ले जाने वालों का रास्ता रोक लिया। जब मुझे इस मसले का मालूम हुआ तो मैंने उन लोगों को पकड़ लिया और नसीहत के तौर पर एक कसर कलम करके मनीषा भेज दिया। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे ब्रादर ने इससे इबरत हासिल नहीं की। फिर मुझे मेरे दस्तरखान पर जहर देने की कोशिश की, मैं मौत के मुंह से वापस आया। उसका हिसाब मांगने के लिए मैंने इसके महल की जानिब पेशकदमी की तो मरहूम वालिदा हमारे दरमियान आ गई। की खातिर में खामोश हो गया और इस मामले को फरामोश कर दिया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा शहजादे सलीम को फिर भी चैन ना आया। इसने आपसे मेरी शिकायत करने की कोशिश की तो मैंने भी इसे यह पोशाक भेजकर औरतों की तरह छुपकर साजिश करने के बजाय एक मर्द की तरह सामने आकर मुकाबला करने को कहा। सलीम मेरे मुकाबले आया और इस बार भी इसने फरेब से हमला करना चाहा। ने मेरे कत्ल के लिए जाल बिछाया लेकिन मैंने इस पर काबू पा लिया। उसके बाद हम दोनों में झगड़ा हुआ, मैं गालिब आ गया। मैं इसकी जान ले सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आखिरी बार नसीहत करके इसे वापस भेज दिया। अल्लाह का वाह है सुल्तान मौसम, जो कुछ बताया है इसमें कमी हो सकती है, ज्यादती नहीं। लाला मुस्तफा ये सब कुछ जो हुआ उसके गवाह है। अगर मुझ पर एतमाद नहीं है आपको तो उन्हें भी सुन लीजिए, वो दरवाजे पर खड़े हैं। उसे आने दो। लाला, शहजादा बेअज़त ने शहजादा सलीम के खिलाफ जो कुछ बताया है क्या वो सब दुरुस्त है? लाला, सलीम ने सोना चुरा कर गैस के मुहाफिजों की जान ले ली थी। सुल्तान मुअज्जम, शहजादे बियाजत ने गवाही देने के लिए और इन्होंने जो कुछ बताया है इसकी तस्दीक के लिए मुझ पर दबाव डाला है, लेकिन हरगिज मैं ऐसा नहीं कर सकता, गद्दारी नहीं कर सकता। तुम ये क्या कह रहे हो लाला? तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? तुम कैसे गद्दारी कर सकते हो? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम शहजादे हो या कोई बदमाश? ये कैसी जुर्रत है मेरे रूबरू आखिर? लाला झूठ बोल रहे हैं सुल्तान मौसम, बाहम मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा। काफिल, क्या तुम खुद नहीं चाहते थे कि लाला मुस्तफा गवाही दे? खरीद लिया इसे, इसके जहन में जहर भरा है जाहिर। जो कुछ आपको बताया वही हुआ होगा आका। खामोश हो जाओ। अफसोस, तुम दोनों की इस हालत पर अफसोस है। तुम किस तरह से देख रहे हो एक दूसरे को? मैंने दुश्मन को भी कभी इस तरह नहीं देखा। फौरन चले जाओ मेरे सामने से, इससे पहले तुम पर हाथ उठ जाए मेरा, चले जाओ। सुल्तान मौसम, लाला तुम आखिर कैसे शैतान हो? कल तक तुम मेरे साथी थे,
लेकिन मेरे खिलाफ होने वाली साजिश में शरीक होगा तुम। बियाजत बस करो, जाओ यहां से। तुम्हें उसी दिन जब तलवार तुम्हारी गर्दन पर रखी थी मार देना चाहिए था सलीम। शहजादे हमें चलना चाहिए, सूरत हाल मजीद खराब करने से कोई फायदा नहीं होगा। शहजादे सुल्ताने मौसम। आओ मेहरमा बैठो। जो हुआ मैंने सुन लिया। यहां हर किस बियाजत का दिफा करने नहीं आई मैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अकेला वही कसूरवार नहीं है। एक बार और सोच लें बाबा, बियाजत बेवजह हर किस झगड़ा नहीं कर सकता, उसे उकसाया गया होगा। तुम ये सब सोचकर खुद को हल्का ना करो मेहरमा। तुम दुश्वार वक्त से गुजरी हो, अपने महल जाओ, अपने पिसर का ख्याल रखो और आराम करो। बियाजत को यूं आग में जलता देखकर मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? खुदारा उसे माफ कर दीजिए। वालिदा के जाने के बाद अब कोई भी गम नहीं सह पाऊंगी मैं बाबा। हर किसी को अपनी गलती की सजा बाहर सूरत भुगतनी होती है। गलती को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होती है, और सजा भी। आप उसे जरूर सजा दीजिए, लेकिन हमेशा की तरह मुझे आपसे अदल की उम्मीद है। सजा देनी है तो दोनों को दें। तुम अब जा सकती हो मेहरमा। सुल्तान कुछ हिमायत हासिल कर लेंगी और सुल्तान मौजम जरा नरमी से काम लेंगे। मुझे नहीं लगता रुस्तम पाशा, सुल्तान मौजम ने कब मुझसे नरमी का आओ। शहजादे पाशा, आपकी विजर उस्मान की तबीयत नासाज हो गई है। मेहरमा सुल्तान भी मौजूद नहीं है, इसलिए आपकी मशवरे की जरूरत है। शहजादे भी नहीं। पाशा आपके पिसर की तबीयत ठीक है? पाशा खजीना खातून से यह झूठ बोलने के लिए मैंने कहा था। क्यों? सेनोरा मेंडिस ने भेजा है। पाशा मोहतरम, आपको इस तरह बेवक्त बुलाना नहीं चाहते थे, लेकिन मसला आम है। जल्द से जल्द मेरी हवेली में आपको आना होगा। मेरे साथ रुस्तम पाशा।
सेनियोरा मेंडेस का तुम पर वाकई जबरदस्त असर है। एक ही बुलावे पर चले आए। सुल्तान सुलेमान के दामाद का और मेहरमा सुल्तान के खावंद का किसी और खातून से कोई ताल्लुक कबूल नहीं किया जा सकता। ऐसा ही है ना सुकुल्लू? दुरुस्त फरमाया शहजादे। कोई भी ऐसा करने की जरूरत करेगा तो वो सिर्फ अपने मकाम ही से नहीं जान से भी हाथ धो बैठेगा। कवायद वाज़े हैं लेकिन लगता है कि मसला ये नहीं कुछ और है। अगर आपकी नीयत ये सब इफ्शा करने की है तो फिर यहां तक क्यों आए? मुझे यहां क्यों बुलाया आपने? समझदार शख्स हो तुम रुस्तम पाशा। तुम्हें याद होगा एक बार मैंने पेशकश की थी, शहजादा बियाजत से मेरी इस जंग में क्या तुम मेरे तरफदार बनोगे, ये पूछा था। मेरा ख्याल है अब तक काफी सोच लिया होगा तुमने, शराइत भी मालूम है। तुम देख रहे हो रुस्तम पाशा, आज जो कुछ भी हुआ उसके तुम खुद गवाह हो। शहजादा बियाजत के सब चाहने वाले एक एक करके उससे अलग हो रहे हैं, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन सिर्फ जबान से कहना काफी नहीं होगा, मेरा तरफदार होने का सबूत भी देना होगा। मुझसे क्या चाहते हैं आप? सुल्तान सुलेमान आज या कल अपना हुक्म सादर कर देंगे। आप सोच रहे हैं फांसी दी जाएगी तो यह गलत फहमी है आपकी। बियाजत अगर यही कुछ करता रहा तो उसका अंजाम यही होगा। फिलहाल उसे वतन बदर करना ही काफी होगा। बियाजत को पाया तख्त से दूर किसी रियासत भेजा जाए, मैं ये चाहता हूं। तुम अगर आका को मशवरा दोगे तो उसे एक जगह भेजा जा सकता है। की खबर दो। जो हुक्म आपका। आपसे वादा करता हूं कि शहजादों के दरमियान होने वाली जंग को रोकूंगा और उन दोनों को सुल्तान सुलेमान के अजाब से बचाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मलिका। मैं वादा करता हूं, वादा करता हूं। सुल्तान मौसम आपका इंतजार फरमा रहे हैं। सलीम और बयासत दोनों आपके बिस्तर हैं, आपके वजूद का हिस्सा हैं, आपका अपना खून है। उनमें से एक को मुंतखब करने के लिए दूसरे को नजरअंदाज करना होगा और नजरअंदाज होने वाला शहजादा दूसरे से हसद करने लगेगा, नफरत करने लगेगा। आओ। सुल्ताने मौसम, शहजादे तशरीफ ले आए हैं। चाहे जितने भी गद्दार और दरोग को अपने अतराफ जमा कर लो तुम सलीम, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी। लाला मुस्तफा जैसा चालबाज मेरे साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ ही सेब देता है। लाला मुस्तफा ने अगर मेरी हिमायत कर दी है तो उसे समझ आ गई है कि सल्तनत आलिया के लिए बेहतर कौन होगा।
सुल्तान मुआज़म आपके मुंतजर हैं। शहजादों ने मुझे बेहद शर्मिंदा किया है, खास तौर पे तुमने व्यासत। तुमने जो कुछ भी किया उसका दिफा मुमकिन नहीं। व्यासत, आज के बाद तुम्हें आमस्या रियासत में तैनात कर रहा हूं। मैं ऐसी सजा का हकदार नहीं सुल्तान मौसम, बिल्कुल भी हकदार नहीं। अब भी मेरे सामने बात करने की जरूरत है तुम्हें? सलीम, तुम्हें भी कोनिया रियासत में तैनात कर रहा हूं, खैरियत का वसीला होगा इंशाल्लाह। आपके हुक्म के सामने मेरा सर झुका हुआ है सुल्तान मौसम। फौरन अपनी मौजूदा रियासत में जाकर अपनी तैयारियां करो। तुम दोनों उसके बाद तैनात होने वाली रियासतों में चले जाओ। सुल्तान मौसम, शहजादी, पाशा, क्या हुआ? सुल्तान मौसम ने शहजादा बयाजत को अमस्या रियासत में तैनात कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो महमूद आगा? इतनी रियासतों के होते हुए आखिर अमस्या क्यों? मरहूम शहजादे मुस्तफा की रियासत है। हतमी फैसला आपका ही होगा सुल्तान मौसम, लेकिन मेरा आजिजाना मशवरा है, शहजादे बयाजत मोहतरम को अमस्या रियासत में भेज दिया जाए। इस तैनाती के नतीजे में वो अपनी खता की इस्लाह कर लेंगे। एक शहजादे को यही सेध देता है सुल्तान मौज़ूम। हम कौनिया जा रहे हैं तो आप इस पर उदास ना हो शहजादे। आमसे की बनिस्बत वो पाए तक से बहुत करीब तर है, ये एक बड़ी फतह है। वो तो ठीक है, सरोहान रियासत मेरे लिए सबसे बेहतर रियासत थी नूरबानो। वहां जितना अरसा कयाम करें हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम ये कैसे कर सकते हो? बियाजत के खिलाफ कैसे साजिश कर सकते हो तुम सलीम? तुम इस मसले में दखल ना दो मेहरमा, ये मेरा और बियाजत का मामला है। मैं भी इस मसले में शामिल हूं सलीम। कौनिया तैनात करने का मशवरा मैंने दिया था, आज के बाद तुम कदम उठाते हुए एहतियात करोगे। कोई गलत कदम उठाए तो माफ नहीं करूंगी। तुम अपने होश में रहो मेहरमा, तुम मेरी वालिदा नहीं हो। तुम चाहे जितना भी उन जैसा रवैया अपना लो, बियाजत की चाहे जितनी भी तरफदारी कर लो, मेरी फतह की राह में रुकावट नहीं बन सकोगी तुम। हरगिज नहीं मेहरमा, हरगिज नहीं। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि मेरे साथ बेहतर ताल्लुक अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे मुकाबले मुस्तकबिल का बादशाह खड़ा है मेहरमा। शहजादे, बाबा ने मुझे वतन बदर कर दिया अब्दुल्ला, और कहां ये जानते हो तुम? आमसिया में। काफी मानी खैस फैसला है ना? यानी सुल्तान मौसम मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारे मरहूम बिरादर की तरह से तुम्हें भी फांसी दी जाएगी। जो रास्ता आया है उसके लिए रहनुमाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन सुल्तान मौसम को एक चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं अब्दुल्ला, मैं अपने मरहूम बिरादर की तरह नहीं हूं। अपनी किस्मत को सुल्तान सुलेमान के हवाले नहीं करूंगा, अपना रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। आपके जहन में क्या है? अभी हम अपनी रियासत जाएंगे कुताया, सुल्तान मौसम के हुक्म की तामील नहीं करूंगा। मैं अमस या हरगिज़ नहीं जाऊंगा।
शहजादे, ये खुल्लम खुल्ला बगावत होगी। बगावत है तो बगावत ही सही अब्दुल्ला। अब तीर कमान से निकल चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। अरगवानी रंग हुरम सुल्तान का सबसे पसंदीदा रंग था। सुल्तानी मौसम, आपका यहां ना आपके लिए मुनासिब नहीं। यहां के सिवा और कहां जाऊंगा गुलफाम? हुरम से अलग होकर मेरी कोई जिंदगी नहीं। हम दोनों हर तरह के सदमात से रह चुके हैं। औलाद का गम क्या होता है ये भी जानते हैं। हमारे आंसू खून के आंसू बन गए। औलाद के सदमे का किसी से मवाजना नहीं, लेकिन ये सदमा बिल्कुल अलग है। ये सदमा कैसा होता है मैं हरगिज़ नहीं जानती। खुदा रा आप मुझे बताइए, इस वक्त आपके दिल पर जो गुजर रही है आप मुझे बताइए। रूह पर क्या गुजर रही है? मोहब्बत को खोकर जिंदगी कैसी हो जाती है? क्या असर होता है? वो जीस्त रंगों से भरी थे, खूबसूरत नगमों से मामूर। बाज वक्त ऐसे लम्हे भी आते रहे कि बालों को देखकर बादलों का गुमान होता था, आंखों में सितारे चमकते थे और सारी दुनिया हुस्न से भर जाती थी। तमाम दुनिया खून की मानिंद रगों में दौड़ती थी। कोई रंग बाकी नहीं रहा। सही, कहाँ जा रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से सलीम, वरना मैं अपना गुस्सा तुम पर उतार दूंगा। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? आकर ने खुद ये फैसला किया है। तुमने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है कि मुझे ना लेके जाएं, वरना अगर मेरे होते हुए तुम्हें सफर पे कैसे लेके जा सकते हैं? अपने जुमलों पर गौर करो बयाजत। क्यों, क्या हुआ? झूठ कहा क्या मैंने सलीम? तुम्हें तो तलवार भी पकड़ी नहीं आती। फौरन माफी मांगो मुझसे। नहीं मांगूंगा। तुमसे कहा माफी मांगो, वरना मैं। वरना क्या, क्या करोगे तुम? और तुम इतना शिकायत लगाओगे फिर मेरी? Yeah.
عظیم ترین سلطنت کے سلطان معظم کوتھایا ریاست سے بہت عام خبر موصول ہوئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرا برادر شہزادہ بیازت آپ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہے۔ موصول شدہ خبر کے مطابق آمسیہ ریاست جانے کے بجائے وہ آپ کی حکم عدولی کرتے ہوئے کوتھایا ریاست میں قیام کی نیت رکھتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے برادر نے اپنی سپاہ بنانی شروع کر دی ہے۔ میرے برادر کے پیش نظر دو مقاصد ہوں گے، یا وہ مجھ پر حملہ آور ہو کر میری جان لے گا، یا پھر اس سے بھی برا ہوگا، پایا تخت پیش قدمی کی خطا کرے گا اور آپ کو تخت سے معزول کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات آپ بھی قبول کریں گے کہ منیسا سے کوتھایا کی طرف پیش قدمی کرنا میرے لیے مناسب نہ ہوگا۔ سلطان معظم، کیونکہ اگر میں روانہ ہو کر اپنے برادر پر حملہ آور ہوا اور اس کے مقابل آ گیا تو ہم دونوں میں سے کسی کو نقصان پہنچے گا، میں اس سے خوف زدہ ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اس کے لیے آپ کے فرمان شاہی کا منتظر ہوں۔ آپ میرے لیے بے حد قابل احترام ہیں۔ آپ کا پسر شہزادہ سلیم۔ تم جا سکتے ہو۔ میرے اللہ تو سب سے عظیم ہے۔ مجھے دوسری مرتبہ اولاد کی جان لینے سے بچا۔ شہزادے بیازت نے جو کچھ کیا وہ قطعاً قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے تو انہیں سلطان معظم کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ میرا مکتوب سلطان معظم تک پہنچ گیا ہوگا نا لالا؟ سو کلو محمد پاشا نے اپنا فرض ادا کر دیا ہوگا شہزادے، بلکہ وہ مکتوب نہیں آگ سے دہکتا ہوا تیر ہے، شہزادے بیازت کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ آقا میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ کس وقت کیا جائے گا مجھے نہیں معلوم۔ مجھے کمک کب فراہم ہوگی اس کا وقت متعین نہیں ہے۔ اس وقت تک ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہرگز نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے شہزادے؟ ہمیں بھی اپنی سپاہ بنانی ہوگی لالا، جنگ ہمارے در پر ہے۔ شہزادہ بیازت کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے، اس کا حملہ روکنے کے لیے طاقت درکار ہوگی۔ سپاہ مجتمع کرنے کی خبر سلطان معظم تک پہنچ چکی ہوگی۔ میں بھی اسی وجہ سے عجلت برت رہا ہوں عبداللہ۔ سلطان معظم کے اس مسئلے میں دخل دینے سے پیشتر ہمارا لشکر تیار ہو جانا چاہیے، تاکہ شہزادے سلیم کو جلد از جلد اس کے انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اس طرح میری جنگ سلطان معظم کے ساتھ نہیں، شہزادے سلیم کے ساتھ ہے، سب لوگ یہ جان لیں گے۔ آپ نے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ بہت مشکل اور کٹھن ہے شہزادے، اس کے علاوہ اب یہاں سے پسپائی اختیار کرنا ناممکن ہے۔ پہلے والدہ ہمارے درمیان حائل ہو گئیں، اس کے بعد ان کا احترام، اب یہ دونوں ہی نہیں رہے عبداللہ، دونوں ہی نہیں۔ شہزادے سلیم کو اس کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا۔ اتنے سپاہی ہمارے لیے کافی نہیں ہوں گے شہزادے، ہمیں نیا اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے اور مزید طاقت کی ضرورت ہے۔ اناتولیا کے صوبے دار جناب احمد پاشا، کارامان کے صوبے دار سولک فرحت پاشا اور ادنا کے صوبے دار پیری پاشا کو فوراً خبر بھیجو۔ وہ مرحوم برادر کو بہت چاہتے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ سب میرا ساتھ دیں گے۔ ان کے روبرو بات کرنے میں فائدہ ہے شہزادے، خط و کتابت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تم حق پر ہو، اگر ان لوگوں کی مدد حاصل نہ کر سکا تو ساری محنت اکارت چلی جائے گی۔ انہیں پیغام بھیجو کہ سماوا آ جائے۔ شہزادہ بیازت سرکشی پر آمادہ ہے اور تم لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے، ایسا ہی ہے کیا؟ سلطان معظم، شہزادے کو ریاست چھوڑنے میں کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہوگی، لیکن وہ سپاہ جمع کر کے بغاوت کریں گے اس کا ہرگز احتمال نہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شہزادہ سلیم محترم کو کوئی غلط اطلاع موصول ہوئی ہو۔ یہ الزام سنگین ہے، شہزادے سلیم یقین کیے بغیر قطعاً ایسی کوئی خبر نہیں بھیج سکتے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شہزادے بیازت اپنی ریاست کی تبدیلی پر خوش نہیں تھے،
अब ये उनके लिए आना का मसला बन चुका है। तखलिया, देखो जरा, ये बहुत खूबसूरत है। ये मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। छोटी शहजादियों, क्या कोई नहीं आपके पास? यहाँ हर तरफ चीजें बिखरी हुई हैं आप लोगों की। ये अंगुष्ठी खुर्रम सुल्तान की अंगुष्ठी है। ये कहां से मिली आपको? शहजादियों का ख्याल रखो। तुम यहां क्या कर रही हो? मेरे कमरे से दूर रहो। कहा था ना मैंने तुम्हें फारिहा। क्या छुपा रही हो तुम? छुपाने वाली मैं नहीं हूं। ये आपके पास थी, मुझे पूरा यकीन था। शहजादे को इसका हिसाब बहर सूरत देना होगा आपको। क्या होश हवास खो बैठी हो? मेरी शिकायत की जरूरत करोगी तुम? तुम्हारे रूबरू एक शहजादी है। ये अंगुष्ठी दो मुझे फौरन। ये आपकी नहीं है, ये मरहूम हुर्रम सुल्तान की अंगुष्ठी है। मैं देखना चाहती हूँ कि शहजादे सलीम वालदा की अंगुष्ठी चोरी करने का सुनकर कैसा रद्द अमल जाहिर करेंगे। ये मेरे हवाले कर दो, मैंने कहा। छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? फारिहा खातून हुर्रम सुल्तान की दी हुई अंगुष्ठी चुरा रही थी। हरगिज नहीं शहजादे, हुर्रम सुल्तान की अंगुष्ठी काफी दिनों से गायब थी। नूर बानो सुल्तान के जवाहरात से मिली है। मैं इसे आपके पास लेकर ही आ रही थी कि शहजादी ने मुझे रोक लिया। ये कैसी जुरत है खातून? तुम कौन होती हो मेरे तिफलान की वालिदा पर, एक शहजादी पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली? शहजादे मुझे वजाहत। खामोश हो जाओ। गजन फरागा, इस खातून को जंदान में डाल दो। एक शहजादी पर इल्जाम लगाने का बदला अपनी जान देकर चुकाएगी। बहस करने की जरूरत नहीं, ले जाओ। मैं कसम खाती हूँ, मैंने जो कुछ कहा वो सच है शहजादे। मैंने कुछ नहीं किया शहजादे। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी दुश्मन बनी हुई है वो। देखिए जरा कितना झूठ बोल रही थी। ये मुझे दो। वालिदा तुम्हें कभी अपने गुनाह भी नहीं देती, और फिर ये अंगुष्ठी। अफसोस, मैं अपने दिफा की कोशिश में मसरूफ हूं और तुम किन मामलात में उलझी हो? अपने तिफलान को दुआ दो, वरना तुम्हें इसका संगीन बदला चुकाना पड़ता। शहजादे सलीम ने जो कुछ मकतूब में तहरीर किया है, अगर वो सच है तो तूफान बहुत करीब है पाशा। दुआ करें कि सुल्तान मौज़म शहजादे बेअज़त की मौत का फरमान जारी न करें। खुदा ना करे। हम क्या इकदाम करेंगे पाशा? क्या सोचा है इस बारे में? चाहे हम अपनी तलवार की धार तेज कर लें या कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं। सुल्तान मौज़म की नजर में ना तुम्हारी कोई अहमियत है और ना ही मेरी। शहजादी, इजाजत चाहता हूं पाशा। क्या हो रहा है रुस्तम? बेअज़त के मुतालिक कोई अहम मसला दरपेश है। शहजादे बेअज़त को थाया छोड़ने पर तैयार नहीं, वहां रहकर सिपा जमा कर रहे हैं। लगता है कि बगावत पर आमादा है वो। सुल्तान मौज़म के गुस्से को सिर्फ तुम ही ठंडा कर सकती हो महरमा। उनके ख्यालात तब्दील करने वाली सिर्फ तुम हो। गलती कर रहे हो तुम लोग। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। शोर मत मचाओ खातून, शहजादे सलीम का हुक्म हतमी है। ये जंजीर किस लिए? मैं कहां फरार हो सकती हूँ? गजन फरागा ने तंबीह की है, उस खातून का भरोसा नहीं, उसे बांध कर रखना।
अगर मुझे यहाँ से निकाल दो तो तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगी, सारी उम्र आराम से गुजारोगे तुम। आप तीनों शहजादे सलीम की दुख्तरान हैं। जो आपने किया क्या आपको जेब देता है? अतराफ में हर चीज को फैला कर रख दिया आपने। किसने खोला था मेरा संदूक बताइए? इन दोनों ने कहा था कि संदूक में देखो। अस्मा खान, माजरत चाहती हूँ वालिदा। मुझसे वादा करो आइंदा ऐसा नहीं करोगी तुम। वादा। मेरी अजीज दुख्तरान, आप तीनों महल की शहजादियां पैदा हुई हैं। ये बात हरगिज फरामोश ना कीजिएगा और हमेशा एक शहजादी की तरह रहेंगी। और एक दिन आएगा इस महल पर आपका हुक्म चलेगा, हर कोई आपके सामने सर झुकाएगा। एक ही हुक्म पर कवायद नए सिरे से तरतीब दिए जाएंगे। आपकी एक ही निगाह से जमीन अपनी जगह से हिल जाएगी। सल्तनत आलिया की तमाम ताकतवर शख्सियात, सूबेदार आपके अतराफ परवानों की तरह घूमेंगे। मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनेंगी आप तीनों। ये सब कैसे होगा वालिदा? क्योंकि आप तीनों पैदाइशी शहजादियां हैं। आपकी रगों में इस खानदान का खून है, ये कभी ना भूलिएगा। एक दिन आएगा आपके बाबा इस सल्तनत के हुक्मरान बनेंगे और आप तीनों उनकी ताकत में, इख्तदार में उनके साथ शरीक होकर उनकी पूरी तरह हमसरी करेंगी। आपको एक हुक्मरान और बाबा की हैसियत से मैं इस मुश्किल सूरत हाल में नहीं देखना चाहती। अफसोस है कि मेरा बिरादर सलीम बचपन से ही ऐसा है। वो हमेशा शिकायत करने से और दूसरों पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ सकता। ऐसे ही खुशी मिलती है उसको। बयाजत के मुतालिक उसने जो कुछ भी लिखा है वो सच नहीं है, मुझे यकीन है सुल्ताने मौसम। वो अपनी सिपा बना रहा है ये लिखा है महरमा। हकीकत ना हो तो कौन ऐसी बात कर सकता है? सुल्ताने मौसम, आप भी ये जानते हैं कि बरसों से उनके दरमियान एक रकाबत है। आखिरी वाकये के बाद फैसला नहीं कर पा रही कि किस पर यकीन करूं। आप सबसे बेहतर जानते हैं आका, लेकिन फिर भी इस वाकये की तहकीक किए बगैर आप कतन कोई हुक्म सादर ना कीजिएगा। बियाजत ऐसा कदम उठा सकता है, इसका इम्कान बहुत कवी है महरमा। बाबा, खुदारा बियाजत के मुतालिक ऐसे घिनौने इल्जामात पर यकीन ना करें। माजी में गलतियां की हैं दुरुस्त है ये, लेकिन वो बाकी नहीं है और ना हो सकता है। वो आपका वफादार है, याद रखिए। अंकल, ये तूफान आने वाला है, क्यों ऐसा ही है ना? तुम खौफज़दा हो। मैं आपके पास हूं तो मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। वैसे भी मैं आपके साया शफकत में जी रही हूं। हर लम्हा खुशी से भरपूर है, बहुत खुश हूं मैं। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र रहती है और शहजादों की। घबराया मत करो, मेरा असल मसला यूं भी अपने पिसरान की हिफाजत करना है, उनके मुस्तकबिल की हिफाजत। सुल्तान मौजम क्या कहेंगे, क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे? मैं इस बात से परेशान हूं। आजकल मेरे जहन में मुस्तफा बिरादर का चेहरा आ रहा है, अब उन्हें ज्यादा बेहतर समझ पा रहा हूं। इंसान चाहे कोई भी हो, अपने वालिद पर भरोसा करना और यकीन करना चाहता है। मेरी भी यही ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह वो मुझे जरूर समझेंगे। लेकिन अगर वो ना समझ पाए? मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो
मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा दफने, कोई तरद्दुद नहीं करूंगा। मैं अपना हक तलाश कर रहा हूं, मैं इंसाफ तलाश कर रहा हूं। सलीम ने फिर एक और वार कर दिया। बियाजत को सुल्ताने मौसम की नजरों से गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इल्जाम पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। तख्त की ख्वाहिश ने बिल्कुल अंधा कर दिया है उसे, इसीलिए वो इंसानियत को भी फरामोश कर बैठा। सुल्ताने मौजम उसे बचपन में शेर कहकर मुखातिब किया करते थे। सुंबल शहजादी, शहजादा सलीम ने जो कुछ किया है उसे हर किस कबूल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो तहरीर किया अगर वो दुरुस्त हुआ तो, और अगर शहजादा बयाजत सुल्ताने मौजम के खिलाफ किसी बगावत की तैयारी कर रहे हैं तो। ऐसा ना कहो सुंबल, बयाजत ऐसा कुछ भी करेगा इसका कतन कोई इम्कान नहीं। आज तक उसने बाबा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उनकी मोहब्बत के काबिल होने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। हर बार उनके दरमियान खलीज वसी से वसी तर होती चली गई। उसकी सरकशी का सबब यही है। जी हाँ, बयाजत सुल्ताने मौसम को बहुत बेशकीमत समझता है। उनके खिलाफ जंग करने के बारे में उसका सोचना भी मुमकिन नहीं। इंशाल्लाह सुल्ताने मौसम उसके बारे में अदल के साथ दुरुस्त तरीन फैसला करेंगे। इंशाल्लाह शहजादी, इंशाल्लाह। दूसरी सूरत में कयामत जल्द बर्पा हो जाएगी संभल। खुदा कयामत बर्पा होने से पहले उससे रोक लेगा इंशाल्लाह। आका ने अगर बयाजत के खिलाफ फैसला किया तो मुझे मुकाबले पाएंगे वो। वालिदा की तरह मैं भी जा सकता हूँ। शहजादी पुरसुकून रहे, सुल्ताने मौसम कोई सख्त फैसला करेंगे इसका कोई इम्कान नहीं है। सुकुल्लू करीबा, ये मकतूब तुम्हें शहजादा सलीम तक पहुंचाना होगा, उसे खुद पढ़ने देना। जैसा आपका हुक्म। समीर पाशा तुम भी करीब आओ, तुम ये मकतूब शहजादा बयाजत के पास लेकर जाओगे। आका जैसे आपका हुक्म। उसे कहना जो तहरीर किया है अच्छी तरह समझ ले, मेरी नसीहत है कि अपने मनसब को जिम्मेदारी से निभाए, अल्लाह उसकी मदद करेगा। आओ। सुल्ताने मौजम, मेहरमा सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने उनसे कहा आप बेहद मसरूफ हैं, लेकिन वो बहुत इसरार कर रही हैं। तुम लोग जा सकते हो अब, उसे आने दो।
सुल्ताने मौसम, शहजादों के मुतालिक आपने कोई फैसला किया है? मेरे बिरादरान वालिदा की अमानत है, अगर इजाजत दें तो आपने जो फैसला किया है वो सुनना चाहती हूं। उनके बाबा की हैसियत से उन्हें आखिरी बार नसीहत की है, एक हुक्मरान की हैसियत से उन्हें आखिरी बार तंबीह की है, उसके बाद सब दारोमदार उन पर है, खास तौर पर शहजादा बियाजत के रवैये पर। उसे फौरन अमस्या रवाना होने की जरूरत है, उसके बाद सलीम भी कोनिया की तरफ रवाना हो जाएगा। हमेशा की तरह मैं आपके इंसाफ पर हैरान हुआ का, लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ, उनकी बड़ी हमशीरा और शहजादी की हैसियत से। क्या हुआ लाला, किस लिए सुबह सुबह आमद हुई तुम्हारी? सुकुलो मेहमत पाशा मनीषा पहुंच चुके हैं, महल पहुंचने ही वाले हैं शहजादे। वो यहां क्यों आया है? सुल्तान मुअज्जम ने आपके मकतूब पर एतबार किया है, इसलिए आ रहे हैं। किसी मामूली आगा की जगह एक अहम वजीर को भेजा है। मेरी असल फिक्र यह है कि सुल्तान मुअज्जम ने बियाजत के खिलाफ क्या इकदाम किए हैं लाला। ये हम देखेंगे शहजादे, हम देखेंगे। शहजादे, अनातोलिया के सूबेदार जनाब अहमद पाशा, कारामान के सूबेदार फरहत पाशा और अदना के सूबेदार पीरी पाशा, ये तीनों मरहूम शहजादे मुस्तफा के हल्का बगोश थे, मैं जानता हूं। शहजादे, आपसे मिलना और आपका रफीक बनना हमारे लिए बायस फख्र है। अल्लाह आपको दराजी उम्र अता करे शहजादे, आप जैसे बहादुर और जंगजू शहजादे के लिए मेरी जान भी फिदा है। पैगाम मिलते ही हम रवाना हो गए शहजादे, अमस्या में आपकी तायनाती का सुनकर हमें बहुत रंज पहुंचा है। आप जैसे दलेर पाशा हजरात का एहतराम और मोहब्बत मुझ जैसे शहजादे के लिए इंतहाई बेशकीमत है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शहजादा सलीम अफसोस के मुझसे अपना ताल्लुक भुला बैठा है और मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। वो लाला मुस्तफा और सुकुल्लु मेहमत पाशा जैसे गद्दारों के साथ मिलकर कई बार मेरी जान लेने की कोशिश भी कर चुका है। तौबा है तौबा, अल्लाह माफ करे। मैं जब तक उस पर हमला नहीं करता वो लाजमन मेरे खिलाफ कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा, और इसी बायस मैं जब शहजादा सलीम के मद्दे मुकाबिल आऊंगा आप सब जज्जा होकर मेरी ताकत में इजाफा करें, मैं ये चाहता हूँ। जनाब अहमद, शहजादा सलीम इस अजीम तुर्क सल्तनत के बादशाह बन जाएं, हम कतन ऐसा नहीं चाहते। शहजादे सोलक फरहत पाशा, सल्तनत आलिया और इस खानदान के मुस्तकबिल की खातिर दुश्वार हालात में भी आपका साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे शहजादे। आला, आप क्या कहते हैं पीरी पाशा? मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ शहजादे, आपकी जंग किसके खिलाफ है, शहजादे सलीम के या फिर सुल्ताने मौज़ूम के? मेरा मसला सिर्फ शहजादा सलीम के साथ है पाशा हजरात, शहजादे सलीम से जंग करूंगा मैं, अल्लाह की इजाजत से फतह हासिल करूंगा और एक लौता जानशी बनकर अपना हक बहर सूरत हासिल करूंगा। यानी शहजादे, सुल्तान सुलेमान को तख्त से उतारने की कोई नीयत नहीं? मेरा अल्लाह इस बात का शाहिद है, मेरी जानिब से सुल्तान मुअज्जम के खिलाफ एक तीर भी नहीं चलाया जाएगा। वजीर आजम रुस्तम पाशा और वजीर दोयम समीर अली पाशा मेरे वफादार हैं, आपने भी अगर उनकी तरह मेरा साथ दिया तो सुल्तान मुअज्जम के मुकाबले आने से बेशतर ही हम इस मसले को हल कर लेंगे। इंशाअल्लाह, आपके लिए हमारा एहतराम और हिमायत हमेशा रहेगी शहजादे, लेकिन इजाजत दीजिए, उजलत के बजाय इस मसले पर हम बाहम मशवरा करना चाहते हैं, उसके बाद आपको खबर दे देंगे। इजाजत है आपको, लेकिन ये मत भूलिएगा कि दुश्वार दिनों में मेरा साथ देने वाले मुस्तकबिल के दिनों में भी मेरे रफीक ही रहेंगे इंशाल्लाह।
महमद पाशा मोहतरम, इंशाल्लाह आपकी लाई हुई खबर से शहजादे बेहद मसरूर होंगे। खुशी की खबर है लाला, सब कुछ ठीक है जैसा कि हमारा ख्याल था, खुदा का शुक्र है। आला, फिर भी जब तक शहजादे तख्त पर विराजमान नहीं होते, हम सुकून से हरगिज नहीं बैठेंगे। हर वक्त होशियार रहना होगा हमें। शहजादे का कोई रकीब नहीं होगा, वो दिन जल्द आएगा लाला, और वही तख्त पर बैठेंगे इंशाल्लाह। तुम और मैं लाला, हम हमेशा दोनों पस मंजर में रहे हैं, मगर अब हमें मुमताज मुकाम हासिल होगा। हमें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, यकीन रखो। इन पाशाओं को तुम अरसे से जानते हो अब्दुल्ला, क्या वो मेरा साथ देंगे? क्या मेरे साथ जंग में शरीक हो सकेंगे? माफ फरमाइएगा शहजादे, लेकिन इन तीनों पाशाओं को सुल्ताने मौजम ने तैनात किया था। वफादारी काश सिर्फ दिल से की जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं। अहम यह है कि आप कितने ताकतवर हैं। आप जितने ताकतवर होंगे, आपके अतराफ के लोग भी उतने ही वफादार होंगे। मेरी ताकत पर कोई शक है क्या? हरगिज नहीं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक शहजादे की ताकत का दरबार में मौजूद पाशाओं और उसकी सिपा से अंदाजा लगाया जा सकता है। सिपा सबकी सब मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ सफ आरा भी नहीं होगी। और रही बात पाशाओं की, तो सल्तनत आलिया के वजीर आजम और वजीर समीर पाशा मेरे साथ हैं। मुझे उन पर भरोसा नहीं है, ना तो समीर अली पाशा पर और ना ही रुस्तम पाशा पर। मुझे उन पर कतन इत्माद नहीं है। ये मत भूलिए शहजादे, उनके हाथ एक शहजादे के खून से रंगे हुए हैं। अगर मैंने तुम्हें गलत साबित कर दिया तो, और वो आखिर तक मेरी हिमायत करते रहे तो? तो उस वक्त फतह आपकी होगी। शहजादे, पाए तक से कुछ लोग आए हैं। शहजादे, करीब आओ सुकुल्लू। तुम खुद मकतूब लाए हो तो खबर बहुत अहम है मेरे ख्याल में। यह आखिरी नसीहत है शहजादे। सुल्तान मौजम ने वक्त जाया किए बगैर आमसिया जाने का हुक्म दिया है आपको। दूसरी सूरत में इसे बगावत करार दिया जाएगा और इसके खिलाफ इकदाम किया जाएगा। मुझे पहले से मालूम था। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए शहजादे, सुल्तान मौजम ने अदल और रहमदिली का सबूत दिया है, और सिर्फ आपको ही नहीं शहजादे सलीम को भी नसीहत की गई है। सुकुल्लू, महमद पाशा के जरिए की जाने वाली नसीहत जाहिर है, मैं आपका मशवरा जानना चाहता हूँ। ऐसे हालात में खामोश रहना अहम होगा, गुस्से में कोई हरकत करना मुनासिब ना होगा। इस वजह से मैं नसीहत पर अमल करने और किसी एतराज के बगैर हुक्म की तामील करने का मशवरा दूंगा शहजादे। रुस्तम पाशा भी क्या तुम्हारा ही हम ख्याल है? शहजादे सलीम पर हमले का ख्याल दिल से निकाल दें। अगर आपने हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो याद रखिएगा, सुल्तान मुअज्जम भी इस जंग में शामिल हो जाएंगे और आपके खिलाफ सफ आरा हो जाएंगे। इस सूरतहाल का मतलब जंग के सिवा कुछ नहीं, जिसके लिए अभी हम तैयार नहीं है शहजादे। इस तरह सल्तनत आलिया में फसाद बर्पा होगा। अपने अजीम बुजुर्ग सुल्तान महमद खान मोहतरम की मिसाल याद रखिए। सुल्तान मौसम के लश्कर की आमद से कबल ही मैं सलीम की जान ले सकता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए कि शहजादे सलीम आपका सामना नहीं करेंगे। खबर मिलते ही वो पसपाई इख्तियार करेंगे और सुल्तान मौसम के पास पना ले लेंगे जाकर। वो ज्यादा से ज्यादा बुरसा तक फरार हो सकेंगे। वहाँ मौजूद बहरा रोम का बहरी बेड़ा यानी दुर्गत रईस हरकत में आ जाएंगे। वो दो तरफा आग में फंस जाएंगे। सुल्तान मौजम किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे, उस वक्त क्या करेंगे आप? उनसे वफादारी की कसम खाकर आमसिया रियासत चला जाऊंगा समीर आगा, लेकिन इकलौते वारिस की हैसियत से। मेरा ख्याल है कि आप फैसला कर चुके हैं शहजादे। इंशाल्लाह महरमा सुल्तान यकीनन आपको कायल कर लेंगी, तो आपका गुस्सा सर्द पड़ जाएगा। महरमा सुल्तान का क्या ताल्लुक है इससे? आगा, आपने बिल्कुल दुरुस्त किया शहजादे।
शहजादे बियासत की अपनी रियासत छोड़ने से पहले आप कतन यहां से आगे नहीं गए, जबकि सुल्तान मुअज्जम चाहते हैं मैं फौरन चला जाऊं। इसके अलावा उन्होंने फरमाया है कि बियासत पर कभी कोई संगीन नौयत का इल्जाम ना लगाऊं। उनके ये अल्फाज बेमायने नहीं है सोकुल्लू। बियासत अपना लश्कर बना रहा है, महल से निकलते ही वो मेरा सर कलम कर देगा। सुल्तान मुअज्जम आज तक हमेशा आपकी हिमायत करते रहे हैं शहजादे मोहतरम। शहजादे बियासत ने आप पर हमला करने की कोशिश की तो अपने मुकाबिल सुल्तान मुअज्जम को पाएंगे। अगर वो नहीं पहुंच सके तो? आप परेशान ना हो, शहजादे बियासत दिन ब दिन अपनी अहमियत खो रहे हैं। अरकीन सल्तनत की बात की जाए तो वो सब अभी से आपके साथ खड़े हैं। रुस्तम पाशा की क्या सूरत हाल है? वो किसी की तरफदारी के बजाय एक तरफ रहने को तरजीह दे रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। उससे कहना कि अगर मेरे साथ नहीं है तो मैं उसे अपने खिलाफ समझूंगा। आका के हुक्म की आखिर तुम कैसे खिलाफ वर्जी कर सकते हो? क्यों अब तक आमसिया नहीं गए तुम? मेरे साथ हक तलफी हुई है, तुम ये जानती हो मेहरमा। सलीम की साजिश की वजह से मैं उस बदनसीब रियासत में हरगिज नहीं जाऊंगा। मुस्तफा बिरादर आमसिया से ही मौत की जानिब का है, मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता। आमसिया जाने से क्या मुराद है मैं बखूबी जानती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यहां रहकर आका के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और सलीम बिल्कुल यही चाहता है। सलीम की ख्वाहिश है सुल्तान मुअज्जम मेरी जान ले लें, क्योंकि उसके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं। सलीम सुल्तान मुअज्जम को मक्तूब लिखकर बता चुका है कि तुम सिपा बना रहे हो अपनी। सुल्तान मुअज्जम को इन इल्जामात पर यकीन दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं लिखा होगा उसने। बियासत नहीं, कहीं तुम वाकई सिपा तो नहीं बना रहे? तुम और क्या सोच रही हो मेहरमा? कदम ब कदम बढ़ने वाली मौत का हाथ पे हाथ रखकर इंतजार करता रहूं क्या? यकीन नहीं आ रहा तुम पर। कैसे कर सकते तुम ये वालिदा से वादा किया? मैंने अपना वादा वफा किया था हमशीरा, लेकिन उन लोगों ने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मुस्तकबिल की खातिर या तो फतह हासिल करूंगा या फिर मौत। आप फिक्र न कीजिए सुल्तान मुअज्जम, मेहरमा सुल्तान शहजादे बियासत के पास गई हैं। मुझे यकीन है वो उन्हें कायल कर लेंगी और खैर की खबर के साथ वापस आएंगी इंशाअल्लाह। मेरी भी यही तमन्ना है रुस्तम। मैं इसके बरक्स सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बियासत को आखिरी मौका दिया है। ये आपकी उन पर नवाजिश है आका। वैसे भी शहजादे बियासत बगावत की नीयत रखते होंगे, इसका कोई भी इम्कान नहीं है। उनकी शिकायत करने वाले शहजादे सलीम हैं। अल्लाह ने चाहा तो उनके दरमियान की ये दुश्मनी एक दिन खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। शहजादे बियासत को तन्हा ना छोड़िए शहजादे, आपकी मिन्नत करती हूँ। आपके लिए उनकी मोहब्बत और एहतराम भी पनाह है। वो आपको अपनी मरहूमा वालिदा हुरम सुल्तान की जगह समझते हैं शहजादी, और ये सब उसी नूरबानों का बर्पा करता फसाद है। शहजादे सलीम को वरगलाने वाली भी वही है। और तुम्हें क्या कहें, मामलात इतने बिगड़ चुके हैं, जंग सर पर मुसल्लत है और तुमने मुझे एक मकतूब भी नहीं लिखा। दरअसल मैं खौफजदा थी, भेजे जाने वाले मकतूब का क्या अंजाम होता मालूम नहीं। अगर दुश्मन के हाथ लग जाता तो शहजादे की जान मैं हरगिज खतरे में नहीं डाल सकती थी। वो तो ठीक है, लेकिन जिसका खौफ था वो तो हो गया ना। आग चारों तरफ फैल चुकी है कसम से। हम बाहर सूरत इस आग को बुझाएंगे, तुम और मैं डेफने, किसी भी तरह शहजादे बियासत को कायल करेंगे। सिपाही जमा करने से रोककर उसे आमसिया भेज देंगे। आपके ख्याल में सुल्तान सुलेमान को रोकने के लिए क्या यह काफी होगा? शहजादे पर छाई हुई काली घटा क्या छट जाएगी? मैं वो नहीं जानती, लेकिन फिलहाल पर रुक जाएंगे ये आश्कार है, क्यों है ना संबल? आप बिल्कुल हक पर हैं शहजादी। हो सकता है शहजादा बियासत के आमसिया रवाना होने में ही बेहतरी होगी, क्योंकि अगर वो बचना चाहते हैं तो आग से दूर रहने में ही फायदा है।
मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगी शहजादी, लेकिन ये मत भूलें कि आप भी इस जंग में तरफदार हैं। शहजादे जो भी हुक्म देंगे मैं उस पर कायम रहूंगी, उनके खातिर मैं जान भी दे दूंगी। आला, तुम हमेशा यूं ही समझदारी से काम लोगी तकने। अगर जंग शुरू हो गई तो उसे रोकना मुश्किल होगा, हमें वक्त से पहले कोशिश करके जंग को रोकना होगा। समझ गई मेरी बात? आओ। नूरबानो सुल्तान तशरीफ लाइए शहजादे। भेज दो उसे। सलीम, फारिहा की वजह से आप मुझ पर बरहमे मालूम है। मसला फारिहा नहीं है नूरबानो, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। खैर जो भी है, हमारे नाराज होने का या झगड़ा करने का ये हरगिज वक्त नहीं, बल्कि दोस्त दुश्मन के मुकाबले हमें यकजा होना है। खुद को मुझसे दूर ना रखिए खुदा के लिए। आपकी खातिर मुझसे ज्यादा और कौन सोच सकता है? मुझसे ज्यादा आपके करीब और कौन है? मेहरमा सुल्तान, शहजादे बयाजत को कायल करने के लिए कुताया गई है। मेहरमा भी वालिदा के रास्ते पर चल रही है, बयाजत को हुक्मरान देखने के लिए अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर रही है। मरहूमा वालिदा सुल्तान, आपसे नाराजगी के बावजूद किसी भी तरह कोशिश करके आपको बचा लेती थी, लेकिन मेहरमा सुल्तान ऐसी नहीं है। खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करेंगी वो हमसे। ये तो अच्छा है कि रुस्तम पाशा अब हमारे साथ हैं। मुझे उस पर यकीन नहीं। कैसे नहीं है? अगर वाकई ऐसा है तो सिनियोरा मेंडिस के साथ उसका ताल्लुक हमें फौरन अफशा कर देना चाहिए। क्या मैं खुशी से इंतजार कर रहा हूँ नूरबानो? अगर रुस्तम पाशा बरतरफ कर दिया गया तो उसकी जगह समीर अली आ जाएगा, वो भी बयाजत के साथ ही है। अगर समीर अली में अकल नाम की कोई चीज होगी तो वो हमारा साथ जरूर देगा। मैं ये खतरा मोल नहीं लूंगा। इसके अलावा ये नीचर सिर्फ रुस्तम पाशा की वजह से किसी के भी तरफदार नहीं। अगर वो भी मेरे खिलाफ होगा तो मैं क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम। मेहरमा सुल्तान कायल कर लेंगी। शहजादे बयाजत आमरसिया जाएंगे और फिर इस तरह वो हमसे और पाए तक से दूर हो जाएंगे। मेहरमा बयाजत को कायल कर भी लेगी तो बयाजत का गुस्सा आसानी से ठंडा नहीं होगा। एक बार खून बह चुका है, मेरा सर कलम ना करने पर उसे पछतावा है। मेरी जान लेना चाहता है, उसे सुल्तान मुअज्जम के सिवा कोई भी नहीं रोक सकता। क्या खबरें हैं अब्दुल्ला? क्या कहते हैं वो, शहजादे के साथ जंग में शामिल होंगे क्या? पाशाओं की वफादारी मुस्तहकम है लेकिन वो खौफजदा भी हैं शहजादे। आप पर यकीन करते हैं लेकिन वो आका के अजाब से भी डरते हैं। साफ साफ बताओ अब्दुल्ला, वो मेरे साथ हैं या नहीं? कुछ और मोहलत मांगी है उन्होंने, अच्छी तरह सोचकर मजबूत कदम रखना चाहते हैं। मैं उनका इंतजार नहीं करूंगा, वक्त आने तक हमें अपनी ताकत को मजीद मुस्तहकम करना होगा। दुरुस्त है। बयाजत का गुस्सा कैसे खत्म होगा मुझे नहीं मालूम संबुल, वो अपनी कश्तियां जला चुका है और जंग के लिए तैयार है। ऐसे किसी अंदेशे को अपने दिल में जगह न दीजिए शहजादी, लेकिन मैं शदीद परेशान हूँ। अगर जंग छिड़ गई तो आप क्या करेंगी माजल्ला? इस खौफनाक इम्कान का जायजा लेने का वक्त करीब आ पहुंचा है। अगर वालिदा होती तो वो क्या करती तुम्हें मालूम है?
सुल्तान मौसम के तीरों के सामने वो खुद आ जाती और शहजादे को उनसे बचा लेती है हमारी मलिका। मैं भी ऐसा ही करूंगी। जो बयाजत की जान लेना चाहेगा उससे पहले मेरी जान लेनी होगी संपत। दुआ करें कि वो दिन कभी ना आए शहजादी, कभी ना आए। जो जगह बताई थी वहां से सोना निकाल लिया तुमने, कब निकालोगे तुम मुझे यहां से बाहर? कैसा निकलना खातून, अब यहां से सिर्फ तुम्हारा जनाजा ही बाहर जाएगा। हमारे दरमियान ये बात नहीं हुई थी, सोने के बदले तुमने वादा किया था। हटो, मैं कोई सोना वोना नहीं जानता, सुन लो, तंग ना करो मुझे। मोहम्मद पाशा के पास उनके दरमियान जो भी गुफ्तगू होगी मैं वो तुमसे जानना चाहूंगी। आपका जो हुक्म शहजादी। हुरम सुल्तान की अंगुश्तरी शहजादे से मेरे झगड़े का बायस बन गए जानफिता। ये तो अच्छा है कि उसे नजरअंदाज करने वाला वाकया रूनुमा हो गया और इस जरिए से फारिया से भी आपकी जान छूट गई। मैं थक गई हूं, जाकर हमाम तैयार करवा मेरे लिए। आपका जो हुक्म। हुरम सुल्तान से वादा किया था मैंने, तुम्हारी जान लूंगी ये वादा किया था। आज वो दिन आ ही गया। पारिया नहीं, पारिया नहीं, पारिया अगर ऐसा किया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगी। मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ खातून, सिर्फ एक आरजू है कि तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। आखिर आखिर वो दिन आ ही गया, तुमसे जान छूट जाएगी सबकी। तुम्हें वो खता करने से रोके बगैर मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगी, जान लो। महल में तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए मुसर्रत का बाइस है, काश के हमेशा यहीं रहो। माजी पर गौर फिक्र करने के बाद ही मुस्तकबिल के लिए राहें खुलती हैं। मुझे कई तरह वाकयात का तजुर्बा हुआ है, जब मसला बगावत का हो तो सुल्तान मौजम अपनी औलाद को भी माफ नहीं करते।
मरहूम मुस्तफा बिरादर के साथ जो कुछ हुआ उसे भूलना मुमकिन नहीं। सुल्तान मौसम वालिदा की मौत के बाद से गोशा नशीन होकर रह गए। उनके दिल पर क्या गुजर रही है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम मुझसे वादा करो उनके अताब से बचने के लिए तुम अमसिया चले जाओगे। मैं जाऊंगा मेहरमा, हर किस फिक्र न करो। क्या सच कह रहे हो ब्याजत? जब आका ने यही फरमाया है तो फिर मैं अमसिया जरूर जाऊंगा। क्या है तुम्हारे जहन में ब्याजत, क्या करोगे तुम? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा मेहरमा, क्योंकि अहले खाना में से मेरे लिए सबसे अहम अब तुम ही हो। मुख्तसर कहूंगा, मुझे कुछ वक्त की जरूरत है। किस लिए? अमासिया में सिपाही इकट्ठी करना मैं जारी रखूंगा। उसके अलावा मुझे बाद सूबेदारों की जानिब से हिमायत का इंतजार है। इंशाल्लाह वो मेरे रफीक होंगे। ताकत हासिल करते ही मैं सलीम पर हमला करूंगा और यह मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई और रास्ता नहीं है क्या, या कोई और उम्मीद? तलवार एक बार म्यान से बाहर निकल चुकी है मेहरमा। आका और सलीम ये हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे और पहली फुर्सत में मेरा सर कलम कर देंगे। मेहरमा मेरी जाने अजीज हमशीरा, तुम्हारे सिवा यूं भी मेरा कोई और नहीं है। अगर तुम मेरा साथ देना नहीं चाहती, मेरी मदद नहीं करना चाहती, तो अभी यहीं बता दो ताकि हमारे रास्ते अलग हो जाए। तुम अपना लश्कर तैयार करो, अपनी ताकत में इजाफा करो और जो नागुजीर समझो वो जरूर करो। मैं तुमसे कसम खाती हूं तुम्हारे साथ हूं मैं हमेशा। आओ। पाशा। हाँ कहो। सिनियोरा मेंदेस का जहाज कुछ देर पहले बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ सुबल, जो कुछ हो रहा है उसे सोचकर मैं हलकान हो रही हूँ। बयासत बगावत के लिए पूरी तरह तैयार है, अगर अपनी आंखों से न देखती तो यकीन न करती। लेकिन अब कश्ती पानी से भर चुकी है, बयाजत किसी सूरत पसपाई इख्तियार नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जंग जरूर होगी। माशाल्लाह शहजादी, शहजादी सुल्तान मौसम से क्या कहेंगी आप? कुथाया में आपने जो कुछ देखा है, अगर सुल्तान मौसम को मालूम हो गया तो वो शदीद बरहम होंगे। बयाजत के अमसे जाने का बताऊंगी। और सुनो सुम्बल, सुल्तान मौसम को हर किस मालूम ना हो कि बयाजत सिपाही जमा कर रहा है। मैं आपके राज को राज रखूंगा शहजादी। हाँ, मेरे होठों पे मोहर लग गई है, लेकिन शहजादे बयाजत की सूरत हाल समीर अली पाशा की नजरों से बिल्कुल छुपी नहीं होगी। सुल्तान मौसम उनसे सुनते ही गजबनाक हो जाएंगे। ये राज छुपा सकते हैं क्या? अली पाशा सल्तनत की अहम शख्सियत है, इस जंग में किसका साथ देना चाहिए उन्हें अंदाजा होगा। लेकिन अब अहम बात यह है कि वो किस तरफ होंगे। रुस्तम भी उन पर एतमाद करता है, मैं भी नहीं समझती कि वो हमारे मुखालिफ बनेंगे। लेकिन ठीक कहते हो तुम, हर इम्कान सोचना चाहिए हमें। उसे ये याद दिलाना फायदेमंद होगा कि वो हमारा वफादार रहे। जी हाँ शहजादी। सारा मेरे लिए बहुत अहम थी, अफसोस के साथ उसे मैंने नाखुशगवार हादसे में खो दिया। अब तुम उसकी जगह पर हो तो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ लो। आपका जो हुक्म सिनियोरा, इंशाल्लाह उसकी कमी महसूस नहीं होगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। सिनियोरा मेंदेस, हवेली में खुशामदीद, आखिरकार आप लौट आईं। रुस्तम पाशा, मां से चाहती हूं तिजारती मामलात के सिलसिले में मुझे सफर की जरूरत पेश आ गई,
अचानक चले गए, आपको इतला भी नहीं दे सकी। पोप के हमरा इशाइये में शिरकत की आपने, शाह फर्डिनेंड से आपके करीबी रवाबित की वजह से मैं आपको एक समझदार खातून समझता रहा सनियोरा, जबकि आपने अनाड़ी और ना तजुर्बाकार खातून जैसा रवैया अपनाया और आपने तुर्क सल्तनत के वजीर आजम से अपने खुफिया दोस्ताना ताल्लुकात को आश्कार कर दिया। मुझे माफ कर दें पाशा, मुझे खबर ही नहीं थी मेरा भतीजा यासिफ शहजादे सलीम के सामने अपनी जबान खोल बैठा। तुम किसे धोखा दे रही हो सनियोरा, हर चीज की खबर है मुझे। उसने तुम्हारी खादमा की जान ले ली तो तुम उसके साथ मिल गई, जान बूझ कर मुझे शहजादे सलीम की नजरों से गिरा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी ये शान और शौकत, मेरा ये मकाम, हत्ता कि मेरी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए पाशा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। शहजादे सलीम ने मुझे धमकी दी थी। शहजादी, क्या हुआ अली पाशा, ठहर क्यों गए? हमें बारिश की वजह से ठहरना पड़ा है, लेकिन इसको दार कुछ ही दूर है। समीर अली पाशा, मेरी ये बात जरा ध्यान से सुनना। शहजादे बेआज़त वालिदा के लिए बहुत कीमती थे, मेरे लिए भी ऐसे ही हैं। हम सुल्तान मौसम को खैर की खबर देंगे, शहजादे बेआज़त आमसिया चले गए हैं, तुम ये बताओगे। लेकिन शहजादी, वो सिपा जमा कर रहे हैं, इसकी क्या वजाहत करेंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल वो इसी बारे में करेंगे। तुमने किसी चीज का मुशाहिदा किया अली पाशा? मैंने तो नहीं किया। बिला सबब शहजादे पर कोई भी इल्जाम लगाने से तुम्हें क्या फायदा पहुंचेगा? मेरी क्या जरूरत कि मैं ऐसा करूं? आप यूं समझें, मैं कुछ नहीं जानता। आला अली पाशा, अब तुम हमारे तरफदार हो, बेआज़त और मुझे, तुम पर मुकम्मल एतमाद है, इंशाल्लाह हमारी उम्मीद पर पूरे उतरोगे। आओ। कहो सुकुलू। शहजादे सलीम मोहतरम ने अपने दिल की गहराई से आपके लिए एहतराम और मोहब्बत इरसाल किया है सुल्तान मौसम। इसके अलावा तोहफे के तौर पर बेमिसाल और सुबुक रफ्तार घोड़े भेजे हैं, उनकी ख्वाहिश है आप कबूल फरमाएं। कोनिया रियासत कब तक जाएगा तुम मुझे ये बताओ। बहुत ही जल्द सुल्तान मौसम। शहजादे आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की हरगिज कोई नीयत नहीं रखते। सरोहान न छोड़ने का सिर्फ एक ही सबब है जिसका वो आपसे भी जिक्र कर चुके हैं, वो शहजादे बेआज़त के मुकाबले हरगिज नहीं आना चाहते। इंशाल्लाह कुथाया से भी खैर की खबरें ही आएंगी, ये मसला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। शहजादी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कोई अच्छी खबर लाई है। सुल्तान मौसम को खुशी की खबर सुनाने के लिए बेचैन हूँ मैं। सुल्तान मौसम को मेरे आने की खबर दो। उम्मीद है जो बात हुई उस पर गौर कर लिया होगा तुमने। यकीनन मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे तुम। इसके बरखिलाफ मैं सोचना भी नहीं चाहती।
सुल्तान मौसम। कहो मेहरमा, सब तफसील बताओ। सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तय पा गया। बयासत मुझे रुखसत करने के बाद आमसिया जाने के लिए रवाना हो जाएगा, उसने मुझसे वादा किया है। तो फिर क्या वजह है कि वो अब तक कुथाया में मौजूद रहा? अपने फलाही इदारे का कुछ काम मुकम्मल करना था, उसी में मसरूफ रहा। वो उसे अधूरा छोड़कर कुथाया के अवाम को मुश्किल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अली पाशा, हुक्म कीजिए आका। शहजादा बयाजत सिपाही जमा कर रहा है, क्या यह दुरुस्त है? तुमने इस तरह की कोई चीज आंखों से देखी क्या? मैंने वाकये की तहकीकात की है आका, काफी लोगों से पूछगछ भी की है, लेकिन शहजादे बयाजत के बारे में सिपाही जमा करने के हवाले से कोई भी मालूमात नहीं मिली। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। तुम जा सकते हो। अगर अपने बिरादर को बचाना चाहती हो तो मुझे सच बताओ, ताकि हादसा बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। आका, मैं आपसे हकीकत नहीं छुपाऊंगी हरगिज भी। बयाजत रवानगी के लिए तैयार है। वो आपके इस फैसले से काफी घबरा गया था। इतनी रियासतों के होते हुए आपने उसे अमस्या क्यों भेज दिया? मैंने गुफ्तगू से उसे कायल कर लिया। मैं कसम खाती हूँ वो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो वो इस हादसे से सबक सीखेगा और अपने बिरादर से अपनी दुश्मनी जरूर खत्म करेगा। सुल्तान मौसम, आप हर खता का इल्जाम बयाजत पर ही लगाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। सलीम उसकी आदत अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसे मुसलसल उकसाता है। उसके बाद आपसे शिकायत करता है उसकी, जबकि खताएं उससे भी सरजद हुई हैं। आप जानते हैं उसके महल में आने वाली अशुआ तायुष का कोई हिसाब नहीं, जबकि तौबा की थी उसने और आपसे वादा भी किया था। सलीम की कमजोरियां मैं भी जानता हूं बिल्कुल, और उन्हें खत्म करवाने के लिए जो भी जरूरी हुआ मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सलीम की कमजोरी सिर्फ उसे ही नुकसान पहुंचा सकती है। बयाजत की कमजोरियों से उसे और उसके बिरादर को और मुझे भी नुकसान पहुंच सकता है। मसला ये है। नूरबानो कैसी है? वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है शहजादे। शहजादे, मुबारक हो। शहजादे बयाजत अमसिया की जान भी रवाना हो चुके हैं। खुदा का शुक्र। तो ये किस बात की अलामत है लाला? शहजादा बयाजत ने जंग करने का अपना इरादा मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया है क्या? इसका इम्कान नहीं है शहजादे। शहजादे बयाजत की जिद और उनके गुस्से को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शायद उसे मजीद वक्त दरकार होगा। हो सकता है शहजादे, लेकिन उनका अमस्या जाना हर तरह से हमारे लिए ही फायदेमंद है। अब हमारा रास्ता साफ है। कोनिया जाने के लिए अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। काल्फा खातून, जरा मेरे पिसर को बाहर ले जाओ। ये सब कैसे हुआ मेहरमा? शहजादे बयाजत अमसिया जाने के लिए कैसे रसामंद हो गए? वो समझ गया कि आका के हुक्म के खिलाफ वर्जी करने से उसे नुकसान हो सकता है। मतलब कि बगावत का इरादा तब्दील कर दिया? नहीं, इरादा तब्दील नहीं किया। वो सिपाही जमा करना जारी रखेगा। आमसिया जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वक्त हासिल करना। जंग बहुत करीब है।
आका ने ये सब सुन लिया तो क्या होगा मेहरमा? तुमने उनसे झूठ कहा। बयाजत की फतह के बाद इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे अपने बिरादर पर मुकम्मल एतमाद है। इसके अलावा अनातोलिया अदना कारमान के सूबेदारों से भी राब्ता किया है। उनकी मदद के जरिए वो सलीम को लाजमन शिकस्त देगा। तो फिर हम सब की जिंदगी को खतरा लाहक होगा। हमें मालूम होना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं। तुम क्या कह रहे हो रुस्तम? हम कहाँ खड़े हैं ये पहले से ही जाहिर है। फतह हासिल करने तक हम बयाजत के साथ हैं, उसकी हर तरह से मदद करेंगे। खुलकर अपनी जानिबदारी जाहिर करना संगीन खता है मेहरमा। हमारा ये फर्ज है कि हम इस जंग को रोकें और शहजादी बयाजत की तख्त नशीनी तक उनकी हिफाजत करें। बरसों से तुम वजारत उज़्मा पर फायस हो रुस्तम, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि म्यान से निकली हुई तलवार खून बहाए बगैर वापस नहीं जा सकती। वो उसे सुकून से नहीं बैठने देंगे। सलीम मौका मिलते ही उस पर वार करेगा, वो भी बुज़दिलों की तरह छुपकर। रुस्तम, मरहूमा वालिदा से तुमने एक वादा किया था, वो भी कुरान पर हाथ रख के। बयाजत की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करोगे, ये बात जहन से ना निकालना। खुशामदीद मेरे बिरादर, आपका शुक्रिया। आपसे वादा करता हूं कि शहजादों के दरमियान होने वाली जंग को रोकूंगा और उन दोनों को सुल्तान सुलेमान के अजाब से बचाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मलिका। मैं वादा करता हूं। महमूद आगा, हुक्म कीजिए पाशा। रुमेली के हाकिम को मेरे पास ले आओ, मुझे बाज मसाइल पर मशवरा करना है उससे। खैरियत तो है पाशा, परेशान नजर आ रहे हैं, मसला क्या है? मसला जाती है महमूद आगा, मैंने जो भी वादे किए, माजी के वाकयात, वो लोग जिन पर मुझे एतमाद रहा, वो हकाइक जो मैंने अब तक पोशीदा रखे, और मुस्तकबिल। हमारे पास जाया करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं अब्दुल्ला। हुसैन चाऊश से कहो कि अतराफ के सूबेदारों को खबर पहुंचाए मेरे साथ शरीक जंग होने वालों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, और तुम पाशा हजरत के पास जाओ, उनको दी हुई मोहलत खत्म हो गई है। मेरे साथ वो शामिल होंगे कि नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ। लश्कर जल्द अज जल्द तैयार हो जाना चाहिए। आपका जो हुक्म शहजादे। शहजादे, आप चाहे तस्लीम ना करें मगर हकीकत वाजे है। बिल्कुल आपके बरादर की तरह आपके असल रकीब शहजादे सलीम नहीं सुल्तान सुलेमान खान है। मोहतात रहें, कतन खुद को मजबूत ना समझें, हर लम्हा इसी शक के बारे में सोचें, क्योंकि सुल्तान मौजम आपके वालिद होने के अलावा एक बड़ी कयामत आने वाले हुक्मरान भी हैं। ये बात अपने जहन से कतर ना निकालें। मरहूम मुस्तफा बिरादर की तरह जानबूझकर मौत की तरफ कदम ना बढ़ाऊं ये चाहते हो तो? बाज़ औक़ात गरचे माजी को बदलना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं माजी की तरफ देखता हूं कि हमारी तकदीर कैसे अचानक तब्दील हो गई। हमारे बेगुनाह शहजादे, एक बाज़मीर शहजादे, अमस्य आने के पहले दिन ही उन्हें बगावत कर देनी चाहिए थी, जैसे आप कर रहे हैं, तो इस वक्त सब कुछ बदल चुका होता शहजादे। लेकिन आपका अंजाम उनके अंजाम जैसा नहीं होगा। मुस्तकबिल की खातिर इस जंग में आप ही गालिब रहेंगे। इंसान जैसे फितरत का मालिक होता है, उसकी तकदीर भी वैसी ही होती है अब्दुल्ला। जब से मैंने खुद को समझा, मुझे जो दुरुस्त लगा मैंने वही किया। आइंदा भी जो कुछ होगा उसका बहादुरी से सामना करने के लिए तैयार हूं।
अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आमीन। हाकिम साहब, मैं आपके इल्म और इरफान से फायदा उठाना चाहता हूं, इसलिए आपको जहमत दी है। आपसे खुसूसी मसले पर मुझे मशवरा दरकार है। खिदमत में हाजिर हूं पाशा, हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं पाशा? एक जमाने में कुरान पर हाथ रखकर मैंने कसम उठाई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो कसम टूट गई। इस गुनाह का कुफारा क्या होगा, क्या करना होगा मुझे? अव्वल तो आपको कसम तोड़ने पर तौबा करने की जरूरत है पाशा। अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है, उन पर अपना रहम फरमाकर उन्हें माफ कर देता है। क्या सिर्फ अल्लाह से तौबा कर लेना ही काफी होगा? ये गुनाह सरजद करने वाले शख्स को अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं काफी होगा? ये गुनाह सरजद करने वाले शख्स को अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए सदका व फितरा लाजमन देना होगा। फकीर और फुकरा की, बेवाओं यतीमों की, जरूरतमंद और मजलूमों की मदद करनी होगी। जितना मुमकिन हो कार्य खैर अंजाम देने चाहिए पाशा। कौनिया, मैं खुद को पुरसकून महसूस कर रही हूँ और पाए तख्त से ज्यादा दूर भी नहीं है। शहजादे बियाज़त और हमारे दरमियान अब ऊंचे पहाड़ और खाइयां हैं, जबकि सरोहा में हर लम्हा मैं खौफ सता रहती थी कि वो हम पर हमला ना करते। लेकिन यहां मुतमईन हूं। तुम क्या समझ रही हो कि बियाज़त का फैसला तब्दील हो जाएगा? जवार से 300 के करीब सिपाही आज शामिल हुए हैं शहजादे। उनके ताम और वजीफे का हिसाब लगाया जा चुका और मजीद सिपाही जमा करना भी जारी है। अब्दुल्ला, शहजादे, इंशाल्लाह खैर की खबर के साथ आए होगे तुम। अब्दुल्ला, सूबेदारों से मुलाकात हो गई, कबूल कर लिया है। 20,000 लश्कर के हमरा हमारे साथ शामिल होने पर आमादा हैं शहजादे। आखिरकार शहजादा सलीम और उसका लश्कर हमारे मुकाबले ठहर नहीं पाएगा। अल्लाह की रजा से फतह हमारी ही होगी। महमूद आगा, ये संदूक मेहमान सिनान आगा के पास ले जाओ। मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से एक फलाही इदारा कायम किया जाए तख्त किले वाली जमीन पर। बहुत अच्छा किया पाशा, आपके नाम के शायान निशान फलाही इदारा बनाने का वक्त तेजी से गुजरा जा रहा था। सिनान आगा से कहना किसी भी किस्म के अखराजात से हरगिज दरेग ना करे। इसकी तामीर ऐसी होनी चाहिए कि यह फलाही इदारा सैकड़ों बरस तक कायम रहे। और ये वाले संदूक हुरम सुल्तान के फलाही इदारे में पहुंचा दो, जरूरतमंदों में उनकी जरूरत के मुताबिक तकसीम करवा देना और बाकी इदारे के खराजात के लिए रख लीजिए। सब खैर तो है ना पाशा, आखिर इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? इतना माल और दौलत अपने साथ कब्र में तो नहीं ले जा सकता। तुमसे जो कहा है वो करो महमूद आगा। सुल्तानी मासम,
इजाजत दीजिए सब खिड़कियां खोल दूं ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। दुख अभी बाकी है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको तारीकी में रहना पसंद नहीं सुल्तानी मौसम। आपको इस तरह तारीकी में रखने वाली चीज क्या है? गुलफाम खातून, खैरियत होगी मुझे उम्मीद है, बहुत गहरी सोच में हैं आप। सुल्तान मौसम भी खैरियत से होंगे अल्लाह की रजा से। सुल्तान मौसम बिल्कुल भी खैरियत से नहीं है सुम्बुल, जबान से कोई बात नहीं कहते, सूरज की रोशनी को भी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं, कहीं वो तारीकियों में खो न जाए से डर रही हूँ। अल्लाह रहम करे। जबकि शहजादी महरमा सुल्तान कुथाया से अच्छी खबर लाई है, वो सुनकर उन्हें सुकून मिलना चाहिए था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका सुम्बुल। सुल्तान मौसम को परेशान करने वाली कोई चीज जरूर है, जाहिर है। तुम लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना सुम्बुल? ओह गुलफाम खातून, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, महरमा सुल्तान ने जो कुछ बताया है वही सच है। शहजादे सुल्तान मौसम के हुक्म के खिलाफ वर्जी का ख्याल भी जहन में नहीं ला सकते। सुल्तान मौसम दरअसल शहजादा बयाजत के साथ माजी में जो कुछ हुआ उसकी वजह से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनका शक बेवजह है ये साबित हो जाएगा गुलफाम खातून। इंशाल्लाह। उम्मीद है हमारे शहजादे गुस्से में आकर कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। गुलफाम खातून, शहजादे की तबीयत आप भी जानती है, एक चिंगारी काफी होती है उन्हें भड़काने के लिए, लेकिन अगर शहजादे ने कोई गलती की तो हम सब उसे संभालेंगे अल्लाह की रजा से, क्यों है ना गुलफाम खातून? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं भी शहजादे की भलाई की खातिर जो भी कुछ हो सकेगा करूंगी सुम्बुलाखा। ये खानदान एक बहादुर शहजादा बहुत पहले ही खो चुका है, अब दूसरे को भी ना खो दे मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आप हक बने हैं गुलफाम खातून। मेरे बहादुर शहजाद खान, आप हैं मेरी ताकत और मेरा सबसे बड़ा खजाना। आपकी लायक औलाद बनना हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है शहजादे। इंशाल्लाह भाई आपस में भाईचारे से रहेंगे। मेरी तमन्ना है कि मरहूम जहांगीर और मुस्तफा बिरादर और मेरी तरह आपस में मोहब्बत से रहें। और हां, आज से आप रियासत कोरम को संभालेंगे, मुझे आपसे अच्छी खबरों की उम्मीद है। मैं किस वक्त जाऊंगा अपनी रियासत बाबा? आपके जाने का वक्त भी आएगा मेरे शेर। आप सबको मालूम है मैं लश्कर तैयार कर रहा हूं, एक बड़ा लश्कर। तैयार होने के बाद शहजादा सलीम पर हमला करूंगा, इंशाल्लाह इस मरतबा हम अपनी फतह से हमकिनार वापस लौटेंगे। इंशाल्लाह शहजादे। मेरी रियासत में 2000 सिपाही हैं, मैं उन सब के हमरा आपके साथ शामिल हो जाऊंगा शहजादे। मैं भी आपके साथ आऊंगा शहजादे। मेरे बहादुर पिसरान, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में कुफार के खिलाफ हम यकजा होकर तलवार लहराएंगे, लेकिन इस जंग में मैं अकेला ही लड़ूंगा। आप अपने रियासत वापस जाओगे और आप अपने बरादरान के साथ ही रहोगे, उनका ख्याल रखोगे।
शहजादे, मेरे बरादरान अभी छोटे हैं, मैं रियासत चला जाऊंगा। हमारे बाबा मुस्तकबिल के लिए जंग करेंगे, मैं यूं ही नहीं रह सकता। इजाजत दीजिए, मैं साथ चलूंगा। कतन खुद को खतरे से दोचार नहीं करोगे, वादा करो इस बात का मुझसे। वादा। ये तमाम 5 लाख सोने की अशरफियां हैं शहजादी, कसम से इस दौलत से आप आधा इस्कोदार खरीद सकती हैं। यह अहम नहीं, मेरे बिरादर को मेरी मदद हासिला से महसूस होना चाहिए, उसे इस दौलत की जरूरत है, मैं जानती हूँ। इसे सबसे काबिल एतमाद लोग पहुँचाएंगे ताकि वह हिफाजत शहजादे तक पहुँच जाए। आपका जो हुक्म शहजादी। इंशाल्लाह ऐसा करने से वालिदा की रूह को तकलीफ नहीं पहुँचेगी। बिरादरान के दरमियान कोई जंग हो वो नहीं चाहती थी। शहजादे सलीम ने जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मुझे अफसोस है शहजादी। और ऐसी सूरत हाल में हुरम सुल्तान शहजादे बयाजत की ही तरफदार होती। आओ। पाशा, ग्रासिया मेंदेस से मुलाकात हुई, आप भी उनसे मिलने गए थे। ग्रासिया मेंदेस और उनके भतीजे यासिप नासी शहजादे सलीम मोहतरम के हिमायत याफ्ता हैं। इसके अलावा सुल्तान मौज़म के लिए सिनियोरा की जो अहमियत है आप जानते हैं। सिनियोरा के साथ या उनके भतीजे के साथ अगर कुछ हुआ तो आप उसका हिसाब नहीं दे सकेंगे। मेरा सिनियोरा मेंदेस से अब कतन ताल्लुक नहीं है सुकुलू, मगर तुम्हें क्या? जिस काम से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है उस काम में दखल अंदाज होना तुम कब छोड़ोगे सुकुलू? मैं तो आपकी भलाई की खातिर। मेरी भलाई से आखिर तुम्हें क्या सरोकार हो सकता है? चले जाओ यहां से। शहजादे बियाजत ने लश्कर तैयार कर लिया, बहुत बड़ा लश्कर, शहजादे सलीम पर हमला करने जा रहे हैं। शहजादे बियाजत हरकत में आ चुके हैं, ये खबर महमद पाशा तक भी पहुंच चुकी है। हम ये सूरत हाल सुल्तान मौजम से नहीं छुपा सकते, आखिर क्या करेंगे पाशा? हम क्या जवाब देंगे? हमारे इख्तियार में क्या है अली पाशा? जाहिर है कि शहजादे आपस में जंग करेंगे, हम कुछ भी कर लें उन्हें कतन नहीं रोक सकते, इसका सिर्फ सुल्तान मौजम फैसला करेंगे। आओ। आमसिया से आने वाली खबर मिल गई क्या आपको रुस्तम पाशा? आओ। सुल्तान मौज़म, रुस्तम पाशा, अली पाशा और महमूद पाशा दरवाजे पर हैं, मसला संगीन है कह रहे हैं। आने दो से। मेरे आका। कहो रुस्तम पाशा। आमोसिया से खबर मिली है, शहजादे बियाजत ने लश्कर तैयार कर लिया है, उनके साथ कुछ सूबेदार भी हैं, ये सुना है। शहजादे बियाजत कोनिया पेशकदमी के लिए तैयार हैं।
ये तुम क्या कह रहे हो रुस्तम? कैसा लश्कर बियाजत की कौन मदद कर सकता है? अनातोलिया के सूबेदार जनाब अहमद पाशा, कारामान के सूबेदार सोलक फरहत पाशा, अदना के सूबेदार पीरी पाशा, ये सब उन्हें अपनी तरफ से मदद फराहम करेंगे। अब तुम क्या कहोगे अली पाशा? सुल्तान मौजम, कुथाया में उनसे मुलाकात के दौरान शहजादे सिपाही जमा नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना जाने आमसिया में क्या हुआ मैं नहीं जानता। ये कोई इल्जाम नहीं है, तुम्हें इस पर यकीन है क्या रुस्तम? मुझे अफसोस है सुल्तान मौजम, मालूमात की तहकीकात कर चुका हूं। आपका फरमान शाही अब क्या होगा? मुझे अफसोस है कि शहजादे बियाजत ने आखिरी मौका भी जाया कर दिया। वो जंग करना चाहता है तो उसकी ख्वाहिश पूरी होगी, आप सब जा सकते हैं। शहजादे बियाजत की मदद करने वाले पाशाओं को मकतूबात तहरीर करने की जरूरत है भी। पाशा, ऐसे मकतूबात शहजादे के लिए मौत का फरमान बन सकते हैं। हमने सुल्तान मुअज्जम से वफादारी की कसम खाई है अली पाशा। शहजादे बियाजत ने सिपाही जमा करके सिर्फ शहजादे सलीम के ही नहीं बल्कि सुल्तान मुअज्जम के खिलाफ भी महाज खड़ा कर दिया है। अब हम उनका साथ नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। बगावत करने वाले शहजादे का अंजाम एक ही है और वो है मौत। शहजादी, शहजादा बेअज़त के लिए भेजी जाने वाली अशरफियां आज या कल पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुंबल, वो दिन जितना करीब आ रहा है मेरा दिल घबरा रहा है, रूह बेचैन हो रही है। सलीम से ताल्लुकात चाहे कितने ही खराब हो जाए लेकिन नौबत यहां तक आ जाएगी नहीं चाहती थी। कौन चाहता था शहजादी, कौन चाहता था? शहजादी, शहजादी इजाजत चाहता हूं। बयाजत की कोई खबर है क्या? नहीं, कोई खबर नहीं शहजादी। मैं तुम्हारे और तिफलान के पास रहना चाहता हूं। भूल जाओ इस झगड़े को तुम भी। सुल्तान मौसम, आप ठीक तो हैं? शमा चलो। ये कैसा अंधेरा है, जल्दी से शमा रोशन करो। जल्दी करो, जल्दी करो। अबू सऊद साहब, न
ना मुझ में कहने की सकत है और ना मेरे हाथों में लिखने की कुवत। रियाया के अमन सुकून की खातिर मैं कोई ना कोई फैसला करने पर मजबूर हूं। शहजादा प्यासत मेरी हुकूमतूली और नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, वो अपने बिरादर शहजादा सलीम के खिलाफ लश्कर कशी के लिए पर तोल रहा है। मुझे आपके इल्म और इरफान पर एतमाद कामिल है। मेरे शहजादे प्याजत ने मुझे मुश्किल से दो चार कर दिया है, मुझे आपका मशवरा दरकार है। हमें अकेला छोड़ दो लुकमान। वालिदा ये दिन बहुत पहले ही देख चुकी थी। उनकी दुआएं आज भी आपके साथ हैं शहजादे। ये ढाल आपकी हिफाजत करेगी। बड़ी ग्लो कर रही हो, लगता है लव हो गया है किसी से। जब केयर मिले तो लव हो ही जाता है। केयर हनी लोशन, अब पुर सहूलत सैशे में। केयर से बेहतर क्या। दन, दन। ये मकतूब अबू सऊद साहब ने भिजवाया है। सुल्तान मौजम के सवाल का जवाब इरसाल किया है। सवाल पर बहुत गौर फिक्र किया, अपने जहन के तमाम कोशों को अच्छी तरह खंगाला, बहुत सी कुतुब से रुजू किया, बाद इबारतों का बार बार मुताला किया। बावजूद इसके कि मैं जवाब आशना था, मैं मुख्तलिफ जवाब तलाश करने की कोशिश करता रहा। मैं एतराफ करता हूं, मैं वो नहीं ढूंढ सका। शहजादा बयाजत की हुकूमतूली और लश्कर बनाने के अमल और अपने बिरादर पर बराह रास्त लश्कर कशी ने आपका, बादशाह सलामत का, खानदान आलिया का और सल्तनत आलिया का मुस्तकबिल वाज़े तौर पर खतरे से दोचार कर दिया है। अपनी राह से भटक जाने वाले शहजादा बयाजत राह हक से गुमराह हो जाने वाले बागी हैं। उन्होंने आपके खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। ऐसा जुर्म करने वाले शहजादे का सल्तनत के कदीम कवानीन की रूह से कत्ल वाजिब है। ओ, 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 ओ,
शेरों, मेरे जान निसारों, वक्त आ पहुंचा है। कौनिया की तरफ हम पेश कदमी कर रहे हैं। अनातोलिया, कारामान और आदाना के सूबेदार अपनी तमाम तर कुवतों के साथ कौनिया के रास्ते में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। शोलों से भरा हुआ रास्ता है हमारे सामने। ये जंग मजलूमों की जालिमों के खिलाफ एक अजीब जंग है। मेरे शेरों, अल्लाह इस जंग में हमारा हामी और नासिर हो। फौरन 5,000 यनीचर और 3,000 सिपाही तैयार किए जाएं। बगावत पर काबू पाने के लिए सलीम की मदद के लिए भेजे जाएंगे पाशाओं को खबर दे दी है क्या? आपके फरमान के मुताबिक सबको हुक्मनामा इरसाल कर दिया है। शहजादे ब्याजत के बजाय उन्हें शहजादे सलीम के साथ देने का कहा गया है। इंशाल्लाह वो आपके हुक्म की तामील बजा लाएंगे। इंशाल्लाह अगर वो साथ नहीं देंगे तो अपने मुकाबले मुझे पाएंगे। मैं हरगिज तरद्दुद नहीं करूंगा। सुकुल्लू सुल्तान मौसम, लश्करों की कयादत तुम करोगे। फौरन तैयारी करो और जल्द कौनिया रवाना हो जाओ। सलीम के लश्कर में शामिल हो जाओ। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। तुम जा सकते हो, जल्द तैयारियां मुकम्मल करो। शहजादे ब्याजत अपने लश्कर समेत यहां आ रहे हैं। मैं जानता था शहजादा ब्याजत लाजमन ऐसी जुरत करेगा। मालूम था मुझे। लाला सिपाहियों को फौरन तैयारी का हुक्म दिया जाए। रजाकार सिपाहियों की तादाद कितनी है? काफी नहीं है शहजादे ब्याजत। जाहिर है बहुत से सिपाही जमा कर चुके हैं, वरना वैसे पेश कदमी ना करते। उनके लश्कर से हम इन हालात में मुकाबला नहीं कर सकते। सुल्तान मौजम को सी खबर है ना, वो हमारी मदद करेंगे। सिर्फ यही एक उम्मीद है शहजादी, उन्हें जरूर खबर मिल गई होगी। लेकिन फिर भी मैं दोबारा खबर भेज देता हूँ। इंशाल्लाह बर वक्त इमदाद पहुँच जाएगी। शहजादा मुराद को पैगाम भेजो, उससे कहो कि अपनी रियासत के सिपाहियों समेत मेरी सफ में शामिल हो जाए। शहजादे खुदा रहे ऐसा ना करें, शहजादे मुराद को आग में ना झोंके। मुझे अगर कुछ हो गया तो क्या उसे जिंदा छोड़ देंगे? ये समझ रही हो तुम नूरबानो? ये बात तुम बखूबी जानती हो कि तुम सबकी जिंदगी मुझसे वाबस्ता है। शहजादी, शहजादी जंग शुरू होने वाली है। कसम से जंग शुरू होने वाली है शहजादी, कसम से। वालिदा ने सोचा भी ना होगा कि ब्याजत से बचने के लिए उनकी ये जरा मेरे काम आएगी। आओ। खुश आमदीद मेरे शेर। मेरे बेटे, मेरे मुराद, मैं तुम्हें भेजना बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मुझे जाना होगा वालिदा, बाबू को ऐसे वक्त में तना नहीं छोड़ सकता।
बाबा की किस्मत मेरी किस्मत है। अपने चाचा से मुकाबला करने के लिए मजबूर हूं मैं। सूरत हाल संगीन है बादशाह। चाहे कुछ भी हो, खून बहेगा। शहजादी रुस्तम, मैंने जो कुछ सुना वो दुरुस्त है क्या? बयाजत और सलीम के दरमियान जंग शुरू हो गई है क्या? आपने ठीक सुना है शहजादी। शहजादे बयाजत अपने लश्कर के हमरा शहजादे सलीम पर हमले के लिए पेशकदमी शुरू कर चुके हैं। बयाजत बहादुर है और जंगजू भी। काफी अरसे से सिपाही जमा कर रहा है। उसे बासूबेदारों का एतमाद भी हासिल है। उनसे भी मदद मिलने की उम्मीद है उसे। हर तरह से पता उसकी होगी ना? इंशाल्लाह मेहरमा, जो बेहतर होगा वही होगा।